अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी जिला चेयरमैन अफजल साबरी और महानगर चेयरमैन सफदर नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मानसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी जिला चेयरमैन अफजल साबरी और महानगर चेयरमैन सफदर नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मॉनसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर कड़ा विरोध जताया है। इससे पहले जिला कार्यालय पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आज ही के दिन 1969 में उनके द्वारा किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव हिमांशु ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को दान में देने के लिए बैंकीकरण कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिसके पास हो जाने के बाद इन बैंकों में सरकार का शेयर 51% से घटकर 26% हो जाएगा, जिससे इन बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा एक तरह से निजी उद्योगपतियों का हो जाएगा। इन बैंकों को मोदी सरकार के वे मित्र खरीदेंगे जो सरकारी बैंकों के कर्जदार हैं और अपना बकाया कर्ज मोदी सरकार से माफ करा लेते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में प्रदेश महासचिव हूँ और मुरादाबाद मेरा इंचार्ज क्षेत्र है। आज का दिन हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए और आज 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उस राष्ट्रीयकरण से देश के विकास और निर्माण में बहुत बड़ा एक योगदान उन्होंने दिया था। मोदी सरकार मानसून सत्र में एक बिल लेकर आ रही है, अमेंडमेंट करते हुए उस बिल में पुराना बिल था जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें 51% हिस्सेदारी सरकार की होगी और जो मौजूदा बिल लेकर आ रही है उसमें हिस्सेदारी सरकार की घटाकर मात्र 24% उसमें रहने वाली है। नतीजा ये होगा कि 76% जो हिस्सेदारी होगी वो उनके पूंजीपति मित्रों की और आने वाले समय में ये हो सकता है, बहुत संभावना है कि जो बैंक उनको लोन देता था जो कर्जों में डूबे हुए थे आने वाले समय में वो बैंक को ही खरीदे। तो आज हम उनके इस नियत के विरुद्ध स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए देश की जनता से आह्वान करते हैं, उनको आज जागरूक करने की नियत से आज हम यहाँ पर आना हुआ और उनको बताना है कि किस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया था, उससे क्या फ़ायदा था, सरकार की जवाबदेही तय होती थी और आने वाले समय में जो ये सरकार है जनता की जवाबदेही बंद हो जाएगी, इसलिए 24% हिस्सेदारी सरकार की रहने वाली है। ऐसा उदाहरण भी देखेंगे जहां मोदी के मित्र उसी बैंक से कर्ज लेकर उसी बैंक को खरीदेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अल्पसंख्यक कांग्रेस इस कानून के विरोध में प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि इस अवसर पर हिमांशु बैग के साथ ही जिला चेयरमैन अफजल साबरी और महानगर चेयरमैन मौजूद रहे।